और गार्ड बहुत सारे लोग इसमें जा सकते कि नहीं जा सकता, तो कोहरे के समय में क्या पूरे पैसेंजर के गिनते हुए पैसा देते रहेगा अपने खजाने में से? सोचने की जरूरत है। मिट्टी हमारा, पटरी हमारा, गाड़ी हमारा, ड्राइवर हमारा, गार्ड हमारा, मरम्मत करने वाला हमारा, सिग्नल देने वाला हमारा, चलवाने वाला ऑपरेटिंग वाला हमारा, बिजली देने वाला इलेक्ट्रिकल वाला हमारा, मरम्मत करने वाला मैकेनिकल वाला हमारा, और सारे लोग टिकट चेकिंग हमारा, कॉमर्शियल हमारा, टिकट देने वाला, चेक करने वाला, सफाई करने वाला, सारे लोग हमारा। कमाएगा अंबानी, अरे वाह रे वाह, क्या नीति तुम अपना रहा बताओ। तुम कमाएगा तुम, मेहनत हम करेंगे, दुनिया भर के पैसा हमने लगाए, सरकार ने लगाए। ये सोचने की जरूरत है, ये केवल भाग रेल की सवाल नहीं, पूरी सारे अखबारों पढ़ लीजिए आप, हिंदी की अखबार पढ़िए, मराठी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, जो भी भाषाएं आपका आप पढ़िए, सारे अखबार के अंदर लिखे आ रहा है, सारे चीज और प्राइवेटाइज कर रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जितने भी कंपनीज को प्राइवेटाइज करो, LIC को प्राइवेटाइज करो, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करो, जितनी नेशनल बैंक है सब एक करने के चक्कर में वो भी प्राइवेटाइज हो जाए। अस्पताल प्राइवेटाइज, एजुकेशन है ना, जो पढ़ाई लिखाई पढ़ाई आदमी का होना चाहिए वो भी प्राइवेटाइज। रहा क्या, मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर पुलिस, इसको भी अगर प्राइवेटाइज करेगा तो फिर सरकार किस बात की, अंबानी साहब ही चलाएंगे भाई, सब उनके पास है, पुलिस भी उसके पास, पेट्रोल भी उसके पास, की मागल रेल भी उसके पास, हवाई जहाज भी उसके पास, भला फिर उसी चलाएंगे, काय को प्रधानमंत्री चाहे, काय को मुख्यमंत्री चाहे, सारा वही बजाय बजाएंगे, पांच पांच साल में काय को झक मार के इतने पैसे खर्च करेंगे। विचार करने की जरूरत है, मस्करी करके मत बैठिएगा, मैं आपको कहता हूं। चलते फिरते रेल के बारे में अपने घर में बताइएगा, बहुत सारे लोग अपने घर में जाके अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप को भी रेल के बारे में नहीं पता, आपको बताने की जरूरत है। इस रेल को जिंदा रखने की जरूरत क्या है आप बताने की जरूरत है, अपने घर के सदस्यों को पहले, बाहर के लोगों को बाद में बताएंगे, अपने घर के लोगों को बताना चाहिए ये रेल जिंदा रहने से क्या फायदा, ये रेल नहीं रहने से क्या नुकसान, तुम्हारा घर के सदस्य का, बाहर का, गरीबों का क्या नुकसान, ये बताने की जरूरत है मैं आपको कहता हूं। अगर इसमें अगर आप शर्माओगे, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं एनआरमी की कार मेरे से डर के रखता है ना, मैं आएगा रिकॉमेंड आएगा पूछेगा साला एनआरमी की कार डालो, बहुत सारे लोग गाड़ियों में आते जाते मैं देखता हूं निकालता है, वो निकाल के पीछे खींचे में डालता है साला, है ना, वो पूछता क्यों, वो पब्लिक बड़ा घूर घूर के देख रहा है, अरे पब्लिक का उनका क्या, आपका गाड़ी है साला, बताओ, वो घूर घूर के देख रहा है, घूर घूर के देख रहा, बोलो ना साले को ये डाला है इसलिए तुम्हारी गाड़ी चल रहा है। और बाहर रेल की कर्मचारी का अगर ईमानदारी नहीं होता, बाहर रेल की कर्मचारी की जैसी ईमानदारी कहीं नहीं मिल सकता, और मिल सकता तो केवल फौजी लोग है, जो डिफेंस के लोगों को छोड़ के अगर कोई ईमानदारी से काम करने वाला है बाहर रेल की कर्मचारी है, चाहे ड्राइवर हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे PWA हो, चाहे ट्रैकमैन हो, SND हो, किसी विभाग के अंदर काम करने वाला कोई भारत रेल की कर्मचारी कोई गाड़ी खड़ा करने को कोशिश नहीं करता, वो अपने जान दांव पे लगा के गाड़ी चलाने को सोचता, मैं आपको कहता हूं। इसके चक्कर में हमारा जो भारत के अंदर, भारत रेल के अंदर काम करने वाला कर्मचारी, जितनी फौजी का जान जा रहा है, शहीद हो रहा है, हम उनको सलाम करते हैं, उनकी वजह से हम लोग है सही सलामत, लेकिन उनके ज्यादा संख्या हमारे रेल के कर्मचारी की जान जा रहा है केवल गाड़ी चलाने के लिए। इसके बारे में कोई सरकार बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई रेल मंत्री बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई PM ऑफ ऑफिस से कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपको कहता हूं इनके ना नजर खुलवाने की जरूरत है, मैं आपको कहता हूं। डरता किस बात के लिए, ना गोली मार दोगे या हम लोग को सब खत्म कर दोगे या हम लोग को सबको लेके जेल में बंद कर दोगे, डर के जीने से अच्छा मरना अच्छा, मैं आपको कहता हूं। इससे कोई हम लोग यहाँ जो सुख पा रहा है, मैं आपको हम लोग जो सुख पा रहा है, हम लोग जो जिंदगी जी रहा है, किसी ने अपनी जान गलाए है ना, 1960 की हड़ताल, 1968 की हड़ताल, 1974 की हड़ताल याद करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। आज हमको जो सुविधा है ना, कंपैशन रोड पे लोगों को हम अपॉइंटमेंट करा रहा है, लाज जीसी के जरिए लोगों को हमने अपॉइंटमेंट करा के दिए, ये सब अगर हो रहा है, जो अधिकार हमको मिले हमारा बुजुर्गों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गलाए 1974 साल की हड़ताल के अंदर, बहुत सारे ऐसे बुजुर्गों ने अपनी नौकरी गंवाया, मैं आपको कहता हूं, इसलिए हमको मिले। फिर आप किस बात के लिए डर रहा है, कोविड आ गया है ना, एक हफ्ता मैं भी घर में बैठा, लेकिन उसके बाद में एक हफ्ते के बाद में एक दिन भी मैं घर में नहीं बैठा, मैं लोगों के बीच में हूँ, मैं हर जगह में गया, लोगों को मदद करने का काम किया, मैं नाम नहीं कहना चाहता, ऐसे भी हमारे बीच में लोग मिले, हमारा जो बुजुर्गों की अपना बच्चा डर रहा था, क्योंकि शुरू के टाइम में कोविड अगर किसी को हुआ बोला तो PPE किट, चार चार लोग एम्बुलेंस पैंपू करके, साथ में पुलिस डंडा लेके, ऐसा के आसपास में जो माहौल बना था, आपको ऐसा लगता गया काम से है ना, लोग घबरने लगता था, जो बीमार आदमी ऐसे ही उसकी जान चले जाता था, उसके अगल बगल में रहने वाले को ऐसा लगता कि ये कोई अपराध करके आया, कौन महामारी वाला आ गया, अरे भाई ऐसा मत करो। लेकिन अभी लोगों का डर खत्म हो गया, उतनी डर नहीं है, फिर भी डरिएगा, थोड़ा डरना भी अच्छा, मैं आपको कहता हूं, लेकिन अपने बच्चा
ऐसे भी लोग हमको मिले जो बच्चा ले जाने के लिए डर रहा था उसको अस्पताल पहुंचाने का काम हमने किए। मैं आपको कहता हूं नाम के लिए नहीं, हमको नाम नहीं चाहिए, हम हर रोज लोगों के लिए मदद करने का काम करते हैं। आखिर मैं डरता किस बात के लिए, मैं पूछता हूं, इसमें से कोई भी ऐसी इंसान है?